के सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये जो है गेंदे का पौधा है। आप ये देख रहे हो कि ये टूटा फूटा सा बुरे हाल में है, मतलब कोई टेढ़ा जा रहा है, कोई मेढ़ा जा रहा है, दिखाई दे रहा है इस तरह से आपको। देख पा रहे हैं? हाँ, तो ये इसी तरह जो आम लोग हैं वो इसी तरह छोड़ देते हैं, उसमें क्या होगा कि दो फूल आएगा, एक फूल आएगा और उसी में खुश हो लेंगे। लेकिन मैं अभी इन सबको बताऊंगा कि इन दो पौधों के, एक गमले 10 इंची का गमला है और एक में मैंने दो पौधे लगाए हैं, और इन दो पौधों में से ये समझो कि 200 से 400 फूल लेना है हमने गेंदे का, तो कैसे ले सकते हैं? ये इस हालात में तो आएंगे नहीं, ये तो ऐसे एज इट इज़ रह जाएगा। तो इसी के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं और दिखाने जा रहे हैं कि कहाँ से इसको हम कट करेंगे और किस तरह से इसकी केयर टेकिंग करेंगे कि ये आगे हमारे को नंबर ऑफ फ्लावर्स ज़्यादा दे सके। और ये इसलिए ऐसा हो गया है, अगर आप इसके प्रॉपर सीजन में टेम्परेचर 20 to 25 डिग्री में लगाएंगे तो इस तरह की कंडीशन नहीं होगी, वो ग्रोथ सही करता है और सिंगल चलता इससे है क्या पौधा। होता है? लेकिन हमने अगेती लगा लिया कि हमें दिवाली से पहले फूल फूल ले लेना है, तो अगेती की वजह से, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से देखो इसकी जो हाइट है वो इधर उधर हो गई है, काफ़ी लंबी हो गई है, और जैसा कि देख रहे हो कि ये टूट गया, मतलब टूट क्या गया है, बिल्कुल ही झुक गया है, सपोर्ट नहीं ले पा रहा है, इस तरह से देखिए आप। तो अब देखिए कि हमने ये देखा, ये नोट्स मैंने बताया आपको, 1 2 3 और ये 4 5, जहाँ से पत्ते निकलते हैं इनको नोड्स बोलते हैं, फुटाव एक्चुअली यहीं से होता है। तो अब यहाँ नीचे तो कुछ भी नहीं है, यहाँ से फर्स्ट नोड, सेकंड नोड, थर्ड नोड, फोर्थ नोड, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ इसके बीच में है। तो हमने क्या करना है, आपको जितना नंबर ऑफ फूट लेना है उस हिसाब से नोड छोड़ देना है, या यूँ कहें कि हाइट के हिसाब से देखना, अगर यहाँ से काटेंगे तो वो ऐसे ऐसे हिलेगा। तो हमने 1 2 और 3, ये 3 नोड छोड़ दिया इसका, और हम यहाँ से 3 नोड के बाद से ये काट लेंगे। ये देखो, देख पा रहे हैं? तो ये काटने से पहले क्या करना है, हमने सीजर को स्टेरलाइज कर लेना है, या जो अपना क्या नाम है, अपना सैनिटाइज कर लेना है। तो ये सैनिटाइज कर लेते हैं ताकि कोई इन्फेक्शन प्लांट के अंदर ना लगे। तो ये हमने इसको सैनिटाइज कर लिया, अब इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, कट कर देंगे। 1 2 3 छोड़ दिया हमने और चौथे से ये कट कर लिया। इसी तरह सेम 1 2 3 हमने छोड़ दिया और ये यहाँ से कट कर दिया। अब ये प्लांट हमारा ऐसा हो गया, आमतौर पे लोग कट करने से और तोड़ने से बहुत घबराते हैं कि बहुत अच्छा प्लांट चल रहा था, हमने ख़राब कर दिया। तो ख़राब नहीं करना है, इस तरह से कट करके आगे हम इससे बेटर फ्लावर ले सकते हैं। जैसे ये कट कर लिया हमने, देख पा रहे हैं क्लियर? अब ये जो कट किया हुआ है इसका भी बता दूं मैं आपको, ये वेस्ट नहीं है, किसी भी सूरत में वेस्ट नहीं है ये बल्कि इससे बेटर फ्लावर देगा। ये तो नंबर ऑफ फ्लावर ज़्यादा बढ़ा दिया, लेकिन ये क्या है कि छोटी हाइट में फ्लावर देगा। इसको करना क्या है, आपने जैसा कि मैंने गुलदाउदी और डेलिया में बताया है कटिंग के लिए, ये देखो इस तरह से इसके नंबर ऑफ लीव्स को निकाल देना है आपने, बहुत ज़्यादा लीव्स नहीं रखनी है आपने, इस तरह से कर लिया हमने, ये तैयार है। अब इसका क्या है कि कम से कम एक नोड सैंड के अंदर जाना चाहिए, इसमें कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको, कोई रूट हार्मोन नहीं और कोई एंटी फंगल कुछ भी नहीं लगाना है इसमें। रीज़न क्या है कि गेंदा जो है अपने आप में एंटी फंगल और एंटीबैक्टीरियल जो भी इसके मेडिसिनल गुण हैं इसके खुद के अंदर ही है। तो इसको तो आप ज़रूरी नहीं है कि कहीं आप रेते में लगाएं, करें किसी मिट्टी में, इस मिट्टी में भी इसे लगा दें तो आप देखोगे कि हफ्ते बाद ये पौधा तैयार हो जाता है, ये हफ्ते बाद पौधा तैयार हो जाएगा। इसको जहाँ कहीं भी लगाएंगे आप तो क्या होगा ये कि इसकी लंबी हाइट नहीं जाएगी, आगे आगे टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और ये छोटे में ही फ्लावर देगा और खूब बढ़िया फ्लावर आएगा।
एक्चुअल में ये सीड से हो गया और ये जो है आपकी ये क्राफ्टेड हो गई, समझ गए? सैंड में लगा दें तो वेल एंड गुड है, नहीं तो इसको तो मिट्टी में आप लगा सकते हैं, इसमें कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं। इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल गुण जैसे मैंने बताया, इसके मेडिसिनल यूज़ भी बताए थे मैंने, तो ये तो जो हाइब्रिड है जो देसी गेंदा होता है उसका आप रस को जो है ना खाज खुजली हो किसी को जख्म हो गया हो तो उन सभी के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो इसके अंदर अपने आप में, हाँ जी चार पांच कटिंग नहीं बन पाएंगी क्योंकि जो ऊपर वाला पोर्शन है कट के लगा लेंगे कोई कोई कामयाब होगा नहीं, तो ये ऊपर जो टिप है ना वही कामयाब होगी आपकी, या फिर साइड ब्रांचेस निकल रही हैं तो उसको बना सकते हो आप। तो इस तरह से हम इस नहीं इसको जब लगाएंगे ना अभी अभी रखेंगे आप तो शेड में रखेंगे, कम से कम 3 से 4 दिन शेड में रखेंगे ताकि वो सर्वाइव कर जाए, नहीं तो ज़्यादा टेम्परेचर हार्श होगा तो सूख जाएगा ऊपर से। तो ये देखो कि आपने अगर 10 पौधे लगाए हैं तो इस विधि से आपके 20 पौधे तैयार हो गए, मतलब 10 तो वो ऑलरेडी तैयार थे और 10 जो ये आपने कटिंग करके निकाली है ये 10 तैयार हो गए आपके। तो ये उससे बेटर देगा जो आपने लगाया है मेनली, उससे बेटर फ्लावर देगा। और ये ज़्यादा लंबा हो तो इसको थोड़ा सा नीचे से कट कर सकते हैं आप। तो हम इसी तरह से इस सारे प्रोसेस को, एक दिक्कत और आती है जो अगेती गेंदा लगाते हैं आप उसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ जाती है, आप इसको देखो कि ये पत्ते जो है ना कर्ल होने शुरू हो गए हैं, देख पा रहे हैं? ये पत्ते कर्ल होने शुरू हो गए हैं तो ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से है। टेम्परेचर जैसे डे का टेम्परेचर ज़्यादा है नाइट का ज़्यादा है तो इसमें एक वायरस रोग लगता है, इसको मरोड़िया बोलते हैं। ये मरोड़िया रोग आपके आजकल शिमला मिर्च में और कई पौधे ऐसे हैं जिनके अंदर लग जाता है ईजिली, टमाटर में सबसे ज़्यादा अटैक करता है, ये गेंदे के अंदर अटैक करता है। तो ये देखो ये मरोड़िया बीमारी लग गई है और आप देख रहे हैं यहाँ हो गया, यहाँ मैंने दवाई डाल दी तो आगे का पत्ता जो है इसका ये साफ आने लग गया, ये एक लेयर का पत्ता ख़राब हो गया था इसका। इसमें एक सफ़ेद किस्म की मक्खी होती है छोटी छोटी, बिल्कुल छोटी छोटी होती है, जब आप हिलाएंगे पत्तों को तो उसमें से निकलेगा ये, उसकी वजह से ये। इसके अंदर आप अमीडा अमीडा यूज़ करेंगे 3 ml/L अमीडा, शिवालिक कंपनी की अमीडा आती है, हाँ अमीडा या मीडिया। AMIDA हाँ अमीडा यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो इसके लिए क्वीन बेटर थी, क्वीन क्या है ऑर्गेनिक में आ रही थी क्वीन उसकी जियो लाइफ की, लेकिन इन दिनों अवेलेबल नहीं हो रही है। आपके एरिया में अवेलेबल हो तो क्वीन, क्वीन मीन्स रानी, वो रानी का जो अपना मुकुट होता है वो बना हुआ है, उसके ऊपर क्राउन बना हुआ है और छोटी सी डब्बी है, उसको 2 से 3 ml/L आपको यूज़ करना है, तो उसके बेस्ट रिजल्ट थे बट इन दिनों अवेलेबल नहीं हो रही है मार्केट में, तो उसकी जगह आप अमीडा यूज़ कर सकते हो। ये टेम्परेचर डिफरेंस जब तक है तब तक ये मरोड़िया की शिकायत आएगी, गुड़ल में भी आ जाती है, टमाटर में भी आ जाती है, मिर्च के अंदर बहुत ज़्यादा होती है ये बीमारी, काफ़ी लोगों के आपके मिर्च में है जी। हाँ हाँ डाल सकते हैं, कोई मतलब बहुत हार्श नहीं है, अगर क्वीन मिल जाती है तो उससे बेस्ट नहीं क्योंकि वो ऑर्गेनिक है, जियो लाइफ की क्वीन आती है, उसकी फ़ोटो मैं आपको डाल दूंगा, तो अगर वो मिल जाती है तो बेस्ट है, अदरवाइज़ अमीडा यूज़ कर सकते हैं, बहुत हार्श नहीं है। ये मैंने इसलिए चूज़ किया कि क्या करना होता है, जैसे अब ये आगे फ्लावरिंग टाइम आएगा तो हमने दवाई डाली थी पहले लूपर आती थी, तो लूपर डालने से क्या हुआ कि सबकी बड्स छोटी रह गई, फ्लावर छोटे आ गए, तो फिर ये इसी को कहते हैं ना एक्सपीरियंस, तो मैंने फिर इसको दूसरा ढूंढा इसके लिए। तो जो अमीडा है वो फ्लावर को के साइज़ को कम नहीं करता, सिर्फ बीमारी के ऊपर ही वर्क करता है, तो क्वीन बेटर है, आप क्वीन चूज़ करें, अगर क्वीन नहीं मिलता है तो अमीडा इसका है।
और मिर्च में, टमाटर में, गेंदे में, गुड़हल में ये खास कर ये बीमारी लगती है। ये आप ध्यान से देख लो, नोट कर लो आप, ये सभी के प्लांट में आती ही आती है इन दिनों। जब टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा, 20 डिग्री बिलो 20 चला जाएगा, फिर ये कोई बीमारी ऐसी नहीं आएगी। नहीं 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 गलत है ये। 250 ml की जो शीशी है वो मेरे ख्याल से 200-250 रुपये की है। मैं आपको पिक्चर पिक भेज दूंगा, शायद कुछ और हो, शिवालिक की आती है अमीडा ये। वो जो आप बता रहे हैं ना 100 ml की शीशी 1000 रुपये की, वो हाँ मतलब बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड है तो उसको हटा देना चाहिए। अब जैसे मैंने इसमें था, मैंने दवाई डाली, देखो यहीं पे कंट्रोल हो गया, आप देख पा रहे हो कि ये नीचे है और ये जो है ये आ गया। लेकिन बुरी तरह से हो जाए, जब बहुत ज़्यादा लग जाए, सेम वैसे ही जैसे बीमारी कई बार ऐसा होता है कि कईयों के किसी पार्ट में कैंसर ऐसा, तो उसको काट के निकालना पड़ जाता, मतलब इस स्टेज पर होता है कि वो रिपेयरेबल नहीं हो, उस केस में प्लांट को उखाड़ के फेंक देना, नहीं तो दूसरे में भी आ जाएगा आपका। लेकिन ऐसी कंडीशन में है तो इसका हमने टिप काटने वाला तो टिप काट दिया। अब इन दोनों डेलिया में भी आता है, डेलिया में दिखाऊंगा, बिल्कुल कर्ल कर दिया है कुछ डेलिया को। मेरी फोटो कैमरा। हाँ आप दवाई डालनी पड़ेगी ना, नहीं तो जो आसपास रहा होगा वो आ जाएगा। जैसे मैंने ये कट कर लिया यहाँ से, तो ये नीचे है, इनको अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे, आपके सामने ही है देखो, ज़्यादा नहीं हुआ है तो 15 दिन ही हुए लगाए को, 15 दिन पहले ही लगाया है इसको। तो इस तरह से आपको देखना है कि बीमारी इस तरह से आए। मिर्च का भी मैं भी दिखाऊंगा कि मिर्च में भी किस तरह से लगता, पत्ते कर्ल हो जाते हैं, शिमला मिर्च, मिर्च, टमाटर, इनमें ज़्यादा लगता है ये। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नीचे नीचे किसके, हाँ फ्लावर सूखा होगा तो बिल्कुल निकल आएंगी, लेकिन उसमें क्या होता है मैं आपको बता दूं, जो फ्लावर से आप लगाएंगे उसमें जब टाइम आएगा इसका फूल का, तो मैं आपको बताऊंगा कि उसके अंदर डबल वाला कौन सा होता है। कुछ एक सीड्स होते हैं उसके जो डबल होते हैं, बाकी सारा सीड सिंगल होता है। सिंगल फ्लावर मतलब छोटा सा फूल निकल के आएगा, नंबर ऑफ पेटल्स जो है उसके वो कम होंगे। म्यूट कर लें, जब कुछ पूछना हो तभी किया करें ऑन। सांप एंटी फंगल है। एंटी फंगल मतलब कैसे, जैसे कई बार जैसे मैंने देखा था, अभी पीछे जल्दी अगेती लगा दिया था और उसमें क्या हुआ था कि प्लांट के अंदर वो सब मर गए, मतलब यहाँ से गलना शुरू हो जाता है, इस पोजीशन से यहाँ से गलना शुरू हो जाता है प्लांट। तो उसके लिए साफ यूज़ करते हैं, एंटी फंगल है एक तरह का, जैसे टेम्परेचर डिफरेंस है, पानी ज़्यादा हो गया तो उसमें गलना शुरू होता है, तो उसके लिए साफ को यूज़ करते हैं। फंगस से बचाने के लिए जो कटिंग लगा रहे हैं उसमें भी कई लोग यूज़ करते हैं, तो इसके अंदर कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो ये प्लांट है गेंदा, गेंदा अपने आप में इसके अंदर इतने गुण हैं कि अपने आप को सर्वाइव कर लेगा, और मेडिसिनल प्रॉपर्टी। हाँ जी नहीं, ये एक वायरस रोग है, ये पत्तों में ही लगता है, नीचे से कोई ऐसा नहीं है। और ये मैंने जैसे कि बताया, ये आता है, ये इसके जो सफ़ेद मक्खी बता रहा हूँ छोटी छोटी सी होती हैं, उसकी वजह से ये आता है। तो ये उससे सांप से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये हमने कट कर लिया और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसको हम साफ करके और लगा लेंगे, तो
नंबर ऑफ प्लांट्स बढ़ा सकते हैं, जैसे जितने हमने काटे इन सभी का दोबारा से प्लांट कन्वर्ट करते हैं। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा लीव्स नहीं रखने हैं, नहीं तो ये सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। ये देखो सिर्फ ये ऊपर की टिप की छोड़ दी हमने, ये इतनी छोड़नी है आपने। और जो इसकी क्वालिटी है मैंने बताया बहुत बढ़िया क्वालिटी, जो हमारी रह रही हैं नॉर्मल जो लगाया हमने प्लांट उससे क्वालिटी डबल आ जाएगी आपकी इसकी। तो इस तरह से ये प्लांट हमारा तैयार हो जाएगा, और ज़्यादा नहीं हफ्ता 10 दिन का टाइम लेगा, मैक्सिमम 10 दिन में आप इसको शिफ्ट करने लायक हो जाएंगे। उसमें दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, देख पा रहे हैं आप लोग, क्लियर आ रहा है? चल ठीक है, बीच में नेट का डाउट हो जाता ना, कि ऐसा ना हो कि मैं बोलता रहूं और आप तक पहुंचे ही ना ये। हाँ जी उसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं जो हमारी गमले की मिट्टी होती है, गमले की मिट्टी में इतना इन्फेक्शन आने के चांसेस नहीं होते, क्योंकि गमले की मिट्टी हमारी अपनी एक जगह पे है तो वो सेफ़ हो जाती है, कीड़ा और वो गमले की मिट्टी में ज़्यादा आने के चांसेस नहीं होते हैं। लेकिन जो धरती पे डायरेक्ट है उसके अंदर ये बीमारियाँ आने के चांसेस क्या है कि मिट्टी के थ्रू मतलब चलता रहता है या ओपन होने की वजह से आ जाता है, लेकिन गमलों में क्या है मिट्टी हमारी पैकअप है तो इसमें इतनी ज़्यादा चांसेस नहीं होते हैं, लेकिन मिट्टी में आप मिला सकते हो सेफ्टी के तौर पे बिल्कुल हल्की मात्रा। हाँ जी अच्छा, डाल सकते हैं, डाल सकते हैं। एक गमले के अंदर आपका साफ जो है वो आधा चम्मच बहुत है, गमला मतलब 10-12 इंची का हो तब, छोटा गमला है तो बिल्कुल न मात्र का डालना है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी भी नहीं आपने यूज़ करनी है। काली हो गई फिर तो बचेगा ही नहीं, पहले ही यूज़ करना है आपको, मतलब सेफ्टी के तौर से अगर आप देख रहे हैं कि आपके गमलों में ये प्रॉब्लम आई है, पहले आ गई है, तो आपने क्या करना है कि जैसे प्लांट ट्रांसप्लांट किया तो साफ की क्या होती है जो असर है उसका, वो ड्रेंचिंग करने से होती है। ड्रेंचिंग का मतलब ये है कि आपके पास कोई फुहारा पड़ा हो और कुछ पड़ा हो, मतलब कोई स्प्रेयर है तो उसमें घोल करके उसे स्प्रे कर दें, तो क्या होगा कि पौधों के साथ साथ गमले के एरिया पे भी गिर जाएगा, तो वो जो है ड्रेंचिंग विधि कहते हैं। ड्रेंचिंग करते हैं लोग, जो बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, पॉली हाउसेज हैं, इनमें ड्रेंचिंग टाइप से इसको करते हैं, मतलब उसके फुहारे के अंदर डाल दिया और ऐसे नहलाते चले गए। ड्रेंचिंग का मतलब पौधों को नहला दिया उससे, मतलब ऊपर से नीचे तक, रूट तक जो है, शूट टू रूट बिल्कुल कवर हो जाना चाहिए उससे। इसका सही जो इस्तेमाल करने का तरीका साफ का वो ये है, या आप कटिंग लगा रहे हैं जैसे ये लगा रहे हैं, इसमें तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप चाहें तो साफ का पानी जो है डाइल्यूटेड घोल करके उसके अंदर डिप कर लें इसको, इसको डिप करके पूरा, और तब जो है इसको लगा दो आप, तो पूरा ए टू जेड जो है ये प्लांट क्या हो जाएगा उसमें, मतलब एंटी हो जाएगा अपना फंगस, एंटी फंगल हो जाएगा जब इसको डिप कर देंगे बिल्कुल। आप कई बार गए होंगे नर्सरी से गुलदाउदी के पौधे लेके आए होंगे या डेलिया के लेके आए होंगे, तो आप देखेंगे कि पत्तों के ऊपर वो ग्रीन ग्रीन कलर का स्पॉट पड़ा हुआ होता है, वो साफ के निशान ही होते हैं। हाँ जी साफ क्या है कि एंटी फंगल, जो फंगस लग जाता है ना प्लांट में जिससे रूट डैमेज होना शुरू हो जाती है, गलना शुरू हो जाता है, यहाँ से प्लांट जो है स्टेम से गलना शुरू हो जाता है, तो साफ एक एंटी फंगल लिक्विड है, तो लिक्विड ने फॉर्म में नहीं आता, ये पाउडर फॉर्म में आता है, उसको घोल करके पानी में घोलना पड़ता है और उसकी एक मात्रा निश्चित घोल करके इसके ऊपर प्लांट के ऊपर डाल दिया जाता है, छिड़क दिया जाता है, तो ऊपर से नीचे तक प्लांट जो है क्या हो जाता है उसका। हाँ जी हेलो, आवाज़ आपकी कम आ रही है। एक चम्मच मतलब आप ले लो,
एक लीटर पानी में एक चम्मच, एक लीटर पानी में एक चम्मच। छोटा चम्मच हो तो उसको घोल करके इसकी ड्रेंचिंग करनी होती है, मतलब नहलाना होता है पौधों को। जब प्लांट छोटा है ना तभी ये बीमारी ज्यादा आती है। जैसे बच्चा छोटा होता है तो उसको ये दवाई देनी वो दवाई देनी है, तो जब प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाए, मतलब कहने का ये है कि आप 2 से 3 बार कर सकते हैं जब स्टार्टिंग में प्लांट लगाते हैं तो, वीकली, वीक में एक बार आपने कर दिया, फिर एक वीक बीतने के बाद फिर दोबारा कर दिया। अगर आपको लगता है तो तीसरी बार करें, अदरवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। वो भी मैं खासकर बता रहा हूँ जो ज़मीन में पौधे आप लगाते हैं उसमें ज़्यादा ज़रूरत होती है उसकी। और गमलों में क्या है कि मिट्टी हमारी, जैसे आप कह रहे हो कि 2-3 दिन से आपने मिट्टी निकाल के धूप में रखी है तो ये ऑलरेडी स्टेरलाइज हो जाता है। और स्टेरलाइज करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आपको जून के महीने में मिट्टी निकालनी चाहिए। जून के टाइम में मिट्टी निकाल के स्टेरलाइज करके और दोबारा से फिलिंग कर दें गमलों में तो वो बेटर होता है, कि उस टाइम टेम्परेचर बहुत 40+ होता है, मॉइस्चर होता नहीं एटमॉस्फेयर के अंदर। तो उसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरियल या फंगल प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी मिट्टी के अंदर थोड़ी बहुत बची हुई, वो सारा ख़त्म हो जाता है। तो मेरा जो गर्मियों में ज़्यादा पौधे ना लगाने का, मतलब सीजनल ना लगाने का मेरा मकसद यही होता है कि मैं क्या करता हूँ, मई जून के महीने में सारे गमले खाली करके और मिट्टी बाहर निकाल दी, गमले भी स्टेरलाइज हो गए, खाली पड़े पड़े धूप में 2-3 दिन, और इसके बाद मिट्टी भी फिर मिक्स करके जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह डालना है, लीफ कंपोस्ट डालना है, वर्मी कंपोस्ट डालना है, वो सब मिक्स करके दोबारा से फिलिंग हो गई गमलों की और फिर हमने छोड़ दिया। उसके बाद बरसातें पड़ी तो जो मिट्टी सेटल होनी है, थोड़ी सी हीट वीट निकलनी है, बारिश का पानी जाना, वो चला गया। अब हमने इनको यूज़ करना शुरू कर दिया प्लांट लगाने के लिए। तो हम अब आगे बढ़ते हैं, नहीं तो फिर टाइम ख़त्म हो जाता है, क्वेश्चनिंग हम लास्ट में कर लेंगे। तो अब गेंदे का मैंने बता दिया, आप जिनके पास लगा हुआ है वो इस तरह का करके नंबर ऑफ प्लांट्स और बेटर प्लांट बना सकते हैं। बीमारी का बताया मैंने, इनमें बीमारी आती है जो वायरस रोग है, ये मरोड़िया बोलते हैं इसको, इसके लिए आपको मैंने दवाई बताई है ये 2। इसके अलावा अगर ये अवेलेबल ना हो तो तीसरी आप नोट कर लें, M45 एक पाउडर आता है, M45, एम फॉर मंकी, M45 के नाम से एक पाउडर आता है, उसका इस्तेमाल भी आप इसमें छिड़काव करने के लिए कर सकते हैं। हाँ जी, नहीं फंगीसाइड नहीं है, वायरस रोग के लिए बता रहा हूं मैं, ये जो मरोड़िया आ रहा है ना मक्खी वाला, उसके लिए बता रहा हूं। नेक्स्ट हम चलते हैं, M45 भी इसी के लिए है, नहीं M45 इसके लिए वायरस के लिए यूज करते हैं जो एक पाउडर आता है। अब आप ये देखो कि हमने ये डेलिया लगाया है, अगेती डेलिया है, ये हमने डेलिया लगाया है जो हमने थोड़ा एडवांस लगा दिया है और फ्लावरिंग भी होगी इसमें। तो इसमें क्या है कि देखो ये प्लांट चल रहा है, ये जैसे ही इसका टेम्परेचर डाउन आएगा इसका ग्रोथ देखोगे आप बहुत बढ़िया हो गया। तो इसमें आमतौर पे क्या करना होता है हमें कि इसकी कटिंग नहीं करनी होती है, पिंचिंग जिसको कहते हैं, जैसे हमने उसमें अभी डेलिया में किया, उसमें गेंदे में किया, तो उस तरह की इसको नहीं करनी होती है अगर सही केयर करें तो। लेकिन जो लोग करना चाहते हैं, सपोज करो कि आपको 2 ब्रांच लेना है तो आपने क्या करना है, यहाँ से इसको कट कर देना है। कट कर देंगे तो ये जो 2 नोड छोड़ के किया है यहाँ से 4 ब्रांचेज इसकी निकल आएंगी। अगर यहाँ से हम कट कर दें तो 6 निकल आएंगे, नहीं यहाँ से कट करेंगे तो ये 4, 2 नोड है, 2 नोड में से 2 यहाँ से निकलेगा, 2 यहाँ से, 4 ब्रांचेज निकल जाएंगी। तो उसमें 4 ब्रांचेज निकलेंगी, अगर फूल अच्छा लेना है आपको तो उसी 4 ब्रांचेज को कंटिन्यू करना है, तो वो 4 टाइप में, मतलब 4 डंडे लगा के और हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं अगर लेना चाहें इस तरह तो। अदरवाइज़ क्या है कि इसको सीधा चलने देना है, लेकिन सीधा चलने देने का क्या नतीजा हो जाएगा हमारा, इस टाइम जो हमने जो अगेती लगा दिया, मतलब एडवांस लगा दिया है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो आप इसका देख पा रहे हैं कि ग्रोथ जो है वो ऊपर को भाग रही है जैसे गेंदे में गया था हमारा। तो इस ग्रोथ को रोकने के लिए एक ही हमारे पास तरीका बचता है कि हम इसको यहाँ से एक कट कर दिया हमने। अब क्या होगा कि ये ग्रोथ ऊपर जाने की बजाय यहाँ से जो है
सारा फोकस इसके ऊपर हो जाएगा, तो इसमें से चार ब्रांचेस हमारी निकल जाएंगी। वैसे इसमें मैं बता दूं एक बार दोबारा से, डेलिया के अंदर पिंचिंग की जरूरत नहीं होती है। डेलिया अपने आप में सिंगल पौधा एक गमले में ही चलता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा फूल देता है तो उस हिसाब से उसको स्पेस भी चाहिए और न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। तो इसलिए मैं कट कर रहा हूँ कि जो हमने एडवांस लगा दिया, एडवांस का है, कुछ पौधे तो सही हैं, अब कुछ जैसे ये हैं हल्के, और ये जो मैंने काटा ये ऊपर को भाग रहा है, शूटिंग इसकी बड़ी तेज़ी से हो रही है, तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो वो हिलने डुलने लग जाएगा, मतलब अच्छा नहीं लगेगा। तो इस केस में आप इसको कट करके और इसको घना बना सकते हो, इसमें से बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। टिप निकलेंगी, दो इधर से निकलेंगी और दो यहाँ से, चार निकल जाएंगी। तो ये मैंने आपके सामने काटा, एक और काटता हूँ, ये इसको भी दो नोड छोड़ के हमने यहाँ से कट कर दिया। और सेम एज जैसे कि मैंने अभी बताया था कि हम कट करके भी बेकार नहीं करते, इसको हम एज ए प्लांट डेवलप कर लेंगे, वेजिटेटिव ग्राफ्टिंग। इसको तो आप एलोवेरा जेल लगा करके और लगा देंगे तो ये लगभग 15 दिन में ये दोनों पौधे तैयार हो जाएंगे। और ये कलर देख पा रहे हैं, ये कलर है वाइट जैन डेलिया है ये, इसका 14 इंची तक का फ्लावर, 14 से 15 इंची तक का फ्लावर आएगा, एकदम प्योर वाइट, मिल्की वाइट। पॉटिंग मिक्स मैंने जैसे मैंने बताई हुई है नॉर्मल गार्डन सॉइल जो है उसके अंदर, लेकिन इनको क्या करना है, इनकी ग्रोथ और ज़्यादा फ्लावर लेने के लिए आपको हर वीक इसके अंदर लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना है। लिक्विड फर्टिलाइज़र में जो होममेड होता है वो है उनके पास, जिनके किसी के पास, तो वो बेटर है। अदरवाइज़ क्या है, लिक्विड फर्टिलाइज़र में आप, ये फ्लावर है तो इसमें आप केमिकल फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र में जैसे कि आप ना मान लो कि नहीं है, ये तो फ्लावर है, खाने की चीज़ नहीं है, तो इसमें कर सकते हैं, जैसे आप DAP यूज़ कर सकते हो। DAP जो आधा चम्मच DAP दिया और इसको हर 15 दिन में दे दिया, या फिर घोल के डाल दो आप, NPK यूज़ कर सकते हो इसमें। तो इस तरह से, और पॉटिंग मिक्स में जो है बर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट डालना ना भूलें, और इस तरह से डाल के इसको कर देना है। कई लोग क्या करते हैं ऊपर ही डाल करके छोड़ देते हैं, वो नहीं है, बल्कि डिजोल्व करके डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट रहेगा आपका। लेकिन डिजोल्व की मात्रा ये रखनी है कि एक चम्मच या दो चम्मच को 1 लीटर पानी में घोलना है आपने, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए। और कभी भी इसके रूट के ऊपर नहीं डालना है, ये बिल्कुल जहाँ ऐसे नहीं, इससे 2 इंची हटा के किनारों में डाल दिया तो नीचे से अपने आप ही रूट उसको ले लेगा। और ये हर वीक इस तरह की गुड़ाई करनी है आपने, मिट्टी लूज रखनी है, खाद देना है। तो क्या होगा कि, हाँ जी, हाँ घोल के डालने का मतलब ये है ना, हाँ जी, नहीं नहीं 2 चम्मच मतलब 1 लीटर पानी में घोल दिया आपने तो उसको डालना है, 1 चम्मच नहीं डालना है आपने, आधा चम्मच अगर डालना है तो ऐसे सॉलिड डालोगे तो जड़ से हटा के डालना है। लेकिन सॉलिड डालने का मतलब क्या होता है, वो धीरे 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 डिजॉल्व होता है, और जो लिक्विड फॉर्म में आप डाल देंगे, अगर हर हफ्ते डालना है तो 2 चम्मच को 1 लीटर पानी में घोलना है, रात भर भीगेगा वो, अगले दिन बिल्कुल डिजॉल्व हो जाएगा, उस पानी को डालना है। और ये मैं उसके लिए बता रहा हूँ, जैसे फ्लावरिंग प्लांट है आपका, आपके पास दूसरा अल्टरनेट नहीं है, तब के लिए बता रहा हूँ। बाकी खाने की जो सब्जियाँ हैं उनके अंदर या और फ्रूट्स हैं उनके अंदर मैं केमिकल के लिए नहीं बता रहा हूँ, उसमें नहीं यूज़ करना। उसमें तो आप बर्मी कंपोस्ट कर लो, लीफ कंपोस्ट कर लो, या होममेड जो फर्टिलाइज़र होता है आपका किचन वेस्ट से बना हुआ वो यूज़ कर लो। अगर वो नहीं है तो उसके अल्टरनेट के तौर पे इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी जैसे ग्रोथ लेनी है, नंबर ऑफ फ्लावर ज़्यादा लेना है उस केस के लिए। और ये जो गुड़ाई की बात की मैंने, ये चीज़, ये मिट्टी लूजन ज़रूर करनी है। अभी आप लोगों को जैसे बारिश हो रही है और एकदम से धूप आती है और मिट्टी इसकी बंद हो जाती है, जैसे कि ये बंद है, उस केस में क्या होता है कि इसका रूट रॉटन स्टार्ट हो जाता है। अंदर मॉइस्चर है, ऊपर से बंद हो गया, हवा जा नहीं रही है, और गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो इनका जो है गलना शुरू हो जाएगा। मेरे अभी पीछे एक दिन में काफ़ी पौधे ख़राब हुए हैं, क्योंकि बारिश हो गई थी 5 तारीख को, और 6 को हम लोग सुबह ही चले गए थे, तो रात को आए तो वो कर नहीं पाए, तो पूरे दिन की धूप, एकदम हार्ड धूप उसको लग गई, और बारिश हो गई थी 5 को, तो उस वजह से काफ़ी पौधे मरे हैं।
तो ये चीजें अगर लिक्विड सीवीड को पानी में मिला के क्वांटिटी होती है उसकी भी, स्प्रे करना है या जड़ में डालना है उसको, वो तरीका होता है। वैसे तो मैंने जो सुना है मैंने यूज़ नहीं किया उसको, क्योंकि मैं तो अपना ही यूज़ करता हूँ, उसका रिजल्ट आप मेरे यूट्यूब पे देख ही पाते हैं कि कितना बढ़िया है। बाकी मैंने सुना है, जो लोगों से सुना है, मैंने कभी यूज़ नहीं किया लिक्विड सीवीड। और आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, अभी मैंने एक मंगाया था, बहुत ही ऐड दिखा रहे थे कि ये हो जाता है ऐसे लगाने से, ऐसा हो जाता है पौधा, तो मैंने मंगाया 1000 रुपये की, दो शीशियाँ आई हैं, मेरे ख्याल से शायद 50-50 ml की हैं, 50-50 ml की दो शीशी आई हैं, वो अभी रखी है, मैंने यूज़ नहीं किया। मैंने कहा जरा देखूं इतना एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं है क्या, तो 1000 रुपीज़ की दो शीशी हैं छोटी छोटी सी 50-50 ml की, मतलब 1000 रुपीज़ के अंदर 100 ml है। और वो क्या कहता है कि 50 ml 1 लीटर पानी में आप मिला के और पौधों में डालो। आप सपोज करो कि 1 लीटर पानी में 50 ml मतलब 500 रुपये की दवाई 1 लीटर पानी में यूज़ करके कितने पौधों में ताकत आ जाएगी, आई डोंट नो। तो ये क्लियर हो गया आपको, इस केस में हम डेलिया में काटते नहीं हैं, लेकिन हाँ जी हाँ लास्ट में उठा लेंगे, ठीक है बात। तो ये क्लियर हो गया, हम इसको डेलिया को काटते नहीं हैं, डेलिया में हमारी पिंचिंग की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन डेलिया अगर लंबा जा रहा हो आपका तो पिंचिंग करनी बनती है, क्योंकि इसकी ज़्यादा हाइट हो जाएगी तो वो सर्वाइव करना मतलब होल्ड करना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए हमने ये काटे हैं। और मैं नेक्स्ट वीक में आपको इसको दिखा दूंगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अगले प्लांट की तरफ, टाइम को बर्बाद ना करते हुए। जैसा कि आप देख रहे हैं ना, अभी ये मेरे ख्याल से 20-22 दिन हुए हैं लगाए हुए, आप लोगों के सामने ही मैंने इनको प्लांटिंग की थी, इसकी 3 वीक हुए होंगे इनको, देख पा रहे हैं आप। हेलो हाँ, ये तीन वीक हुआ है, आपके सामने ही लगाया था मैंने, तो 3 वीक हो गया। और अब जो है मैं इसका बता रहा हूँ प्रोसेस, कुछ एक की तो हमने पिंचिंग कर दी है, नंबर ऑफ ब्रांचेस आ गई हैं, और कुछ की अभी छोटे थे तो नहीं किया था पिंचिंग। ये देखो इसकी हमने ये पिंचिंग कर दी थी, और ये स्पाइडर जो गुलदाउदी है वो है, इसकी पिंचिंग हमने यहाँ से की थी, और आप ये देख पा रहे हैं कि इसमें देखो कि नंबर ऑफ ब्रांचेस निकले 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए, मतलब 3 नोड था, तीनों नोड से जो है ना 2-2 ब्रांचेस इसकी, एक एक ब्रांचेस निकल आई हैं, तो ये 6 ब्रांचेस हो गई इसके अंदर। तो इस तरह से घना बनाना है। अब दूसरा ये था, दूसरा हमने किया यहाँ से, ये इसकी पिंचिंग ये भी कर चुका हूँ, इसमें से ब्रांच निकल गया है। इसी तरह से इसका देखो आप, ये हमने ये पिंचिंग यहाँ से कर दी थी और ये ब्रांचेस निकल आई हैं इसकी, इसमें से भी निकल आई हैं। अब हमने इसको भी कर लिया, लेकिन इसको नहीं किया था, ये एक्चुअली क्या था, छोटा था उस टाइम में। तो आप ये देखो कि कहाँ से करना है, मतलब जो पौधा लगाया है उसका 3 से 4 इंच दिखाई नहीं दे रहा एंगल ले। तीन से चार इंच हमने छोड़ दिया नीचे, देख पा रहे हैं आप लोग, हाँ यहां से हमने कट कर लिया, ये कट किया। इसी तरह से ये पौधा है, ये बढ़िया चला आ रहा है, इसमें आप देख पा रहे हैं, और ये देखो इसको हमने यहां से ये 3 से 4 इंच छोड़ करके
ये कट कर दिया हमने, ये ऑलरेडी कट किया हुआ है, इस तरह से हमने इसको कट कर दिया। अब ये जो कटिंग हम निकाल रहे हैं ये हमारी वेस्ट नहीं है, इससे हम नया पौधा फिर से तैयार कर देंगे। जैसा मैंने बताया आपको, नंबर ऑफ पत्ते जो लीव्स हैं इसकी बहुत कम रखनी है और ये हमारा प्लांट तैयार हो जाएगा। तो ये सारी बड़ी वैरायटी की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें एक से दो पिंचिंग ही करनी है आपको, ज़्यादा नहीं करनी है। बड़ी वाली वैरायटीज़ हैं, पत्तों से महसूस हो रहा है ये स्पाइडर गुलदाउदी है, क्रेसेंथिमम। और ये वाली देख रहे हैं आप, ये स्नोबॉल टाइप की है। स्नोबॉल मतलब बहुत बड़ा होता है गोल। तो कई लोग क्या करते हैं कि ये स्नोबॉल टाइप की है, उसको एज इट इज़ ले जाते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा कि हाइट बहुत चली जाएगी आपकी। अभी लगी हुई है, 2.5 महीने हैं अभी लगभग फूल देने में इसको, 2 से 2.5 महीने। तो उस टाइम क्या होगा कि इसकी हाइट जो है काफ़ी चली जाएगी। तो हाइट काफ़ी ना जाए इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका भी वही प्रोसेस है। ये देखिए, ये हमने यहाँ से क्लियर कर दिया, कट कर दिया, ये यहाँ से कट कर दिया। अब आमतौर पे आप देखेंगे कि इतना बढ़िया मेरा प्लांट चल रहा है, आप सोचेंगे कि इसको कैसे क्यों कट कर दूं, लेकिन अगर इसका बेटरमेंट देखना है हमें तो हमें कट करना पड़ेगा इसको, ठीक है जी। इसमें सबसे जो ज़्यादा मतलब टिकाऊ होता है, ये गुलदाउदी की ऐसी वैरायटी है, आप पत्तों से पहचान कर लें। कभी भी नर्सरी में जाएंगे आप तो इस तरह का पत्ता देख के लेंगे, ये गुलदाउदी की वो वैरायटी है जो आप कट करके अगर घर में भी लगाते हैं पानी में डालकर, तो कम से कम 10 डेज लास्ट करेगा। ये 10 डेज तक जो है ना वो सर्वाइव कर जाएगा। कटा हुआ प्लांट भी जो है घर के अंदर अपने फूल लगा दिया किसी गुलदस्ते में या वाज में लगा दिया, तो वो 10 दिन कम से कम लास्ट करता है, 10 से 12 दिन। तो वो वैरायटी है, मतलब इसको हार्ड वैरायटी कहते हैं। इसको मोस्टली क्या करते हैं लोग, सेल परचेज के लिए, जो फ्लावर फ्लोरिकल्चर वाले हैं वो उगाते हैं तो सेल के लिए, ताकि ये कट करके चला जाए तो 5 दिन 4 दिन ऐसे भी लगा रहे और कोई ले के भी जाए तो वो 5 दिन 7 दिन या 8 दिन घर में यूज़ कर सके। तो इतना मतलब सर्वाइवल टाइम इसका होता है। इसकी आप पहचान कर लो कि किस तरह का पत्ता है, जो हार्ड वैरायटी होती है, मतलब काफ़ी दिनों तक इसको सर्वाइव किया जा सकता है। और घर में भी हम यहाँ लगाते हैं गमले में, तो गमले में आप सपोज करो कि फूल खिल गया, तो ये नहीं है कि हफ्ते बाद या 5 दिन 7 दिन बाद झड़ जाएगा। ये जब तक आप उखाड़ेंगे नहीं तब तक ये फूल इसी प्लांट के ऊपर टिका रहेगा एज इट इज़। क्या होगा कि शुरू में वाइट आएगा, फिर जो है पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके बाद और सूखेगा तो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये फूल मुरझाएगा नहीं। सुन पा रहे हैं मुझे आप? तो इसकी पहचान आप कर लें कि जब कभी लेने जाएं अगर आसपास की किसी नर्सरी में, तो इस तरह के प्लांट आप चूज़ करेंगे, बड़े पत्ते वाले, क्योंकि उनको नर्सरी वालों को भी नहीं पता होता है कि कौन सा बड़ा, वो कहेंगे ले लो आप, पता नहीं, हाँ आप पूछेंगे ये है, हाँ हाँ यही है, उनको बेचने से मतलब है, दैट्स ऑल। तो हमें इनको भी इस तरह से कट करना है कि नंबर ऑफ ब्रांचेज ज़्यादा लेनी है तो ये कट करना पड़ेगा। ये हमने कट कर दिया। अब गौर से देखें आप, इस बार जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपने भी फूल लेना है, अगर जिन किसी ने भी लगा रखा है, नहीं लगाया तो अभी भी लगा सकते हैं इसको आप। आज मैं सभी की इस तरह से कटिंग करने जा रहा हूँ। एक चीज़ और देख लें आप, जैसे आप कई लोगों की थी अभी आ रही थी भाई कीड़ा लग गया, देखो कीड़ा मतलब आप ही के नहीं हमारे यहाँ भी लगता है। ये देखो, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया तो रातों रात ही कीड़ा, देख पा रहे हैं आप? ब्लैक कलर नहीं, ब्लैक कलर तो अलग है, ये देखो ये कीड़ा है, ये हाँ हड़ा वाला कीड़ा, ये देखो। और इसने क्या कर दिया, इसका देखो जो टिप है, ये टिप को इतनी बुरी तरह से खा लिया है।
काला काला तो इसने खा लिया ना उसका, ये कीड़ा यही है, इसने इसको खा लिया और इसमें मतलब इसने एक्सक्रीटा जो है इसका वो काले कलर का दिख रहा है। मेन जो इसका ब्रांच था ना ऊपर का टिप वाला, हैं जी, ये एक्चुअली कहीं से आता थोड़ी है, ये जो हमारे कीड़े होते हैं यहाँ पर वो अंडा देते हैं और उसमें से इनका बच्चा निकलता है, तो वही चीज है ये। हाँ हाँ उसको जरूर हटा दो, नहीं तो वो एक बार सर्वाइव करेगा ना, मतलब हो जाएगा तो समझो कि बस प्लांट को खाना शुरू कर देगा। मतलब कहते हैं ना सुंडी लगी, तो सुंडी कहीं से चल के नहीं आती है, ये कीड़े अंडा दे देते हैं और वही अंडा जो है जब वो फूटता है लार्वा प्यूपा कैटरपिलर में कन्वर्ट होता है। हाँ जी चलो उसके बारे में हम लास्ट में आप बात करेंगे, उस टाइम बताएंगे, आप फिलहाल ये देख लें। तो लास्ट में आप जरूर क्वेश्चन रखें इसको, मैं उसका सोल्यूशन बताऊंगा तुलसी का भी। तुलसी में कोई केमिकल नहीं यूज़ करें, ये हमने इस तरह से टिप कट कर दिया, आप ये देख लो। और ये भी बहुत बढ़िया वाली वैरायटी है, इस तरह के जो कल है ना ये सारी स्पाइडर की वैरायटी होती हैं, मतलब स्पाइडर की तरह जो इसके फूल आते हैं तो इसको स्पाइडर क्रिसेंथेमम बोलते हैं। अब जैसे ये छोटा है ना, ये प्लांट अभी छोटा है काफ़ी, तो इसको हम नहीं कट करेंगे, ये छोटा है इसको नहीं कट करेंगे, जो कट करने लायक मतलब 6 इंची 8 इंची का हो गया उसी को कट करेंगे। अब डेलिया का मैंने बताया था कि वैसे तो डेलिया में कटिंग करते नहीं है, लेकिन ये देखो हमने ज़्यादा लंबा हो गया था तो इसकी कटिंग यहाँ से कर दी थी हमने, और आप अब देखेंगे कि दो निकल गया है शूट इसके अंदर से, दो निकल गया, इन्हीं दोनों को सर्वाइव हम कराएंगे और इसी से हम बेटर फूल लेने की करेंगे कोशिश। तो ये दो रहेगा, दो डंडा लगा दिया और दो टिप ऊपर जा कर के हो सकता है कि 5 से 10 फ्लावर हमें ये दे देगा, यही दो, ठीक है जी। आप ये देखेंगे इनके छोटे हैं प्लांट, इसको हम नहीं काट रहे हैं, इसको काट सकते हैं, ये बड़ा हो गया, इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। अब इसमें कीड़े की बात कर रहे थे, देखिए ये टेम्परेचर डिफरेंस के बाद आ जाता है समय, एपिड बोलते हैं इसको, कई लोग अल बोलते हैं, कई लोग चेपा बोलते हैं, ये आमतौर पर फरवरी में लगता है, लेकिन अभी नाइट और डे का जो टेम्परेचर है उसके डिफरेंस की वजह से आप ये देखो देख पा रहे हैं, नहीं दिख रहा होगा, सेट पे बंद करो। हेलो ये छोटे छोटे हैं, बिल्कुल ब्लैक ब्लैक कलर के लग जाते हैं, जो देसी लैंग्वेज में इसको बोलते हैं चेपा, अंग्रेजी नेम इसका एपिड। तो ये क्या होता है, जो बिल्कुल नाजुक टिप होती है ना वहीं से शुरू होता है ये, जो फ्रेश बिल्कुल निकल रही हैं और वहीं पे स्टॉप कर देता है प्लांट को। ये देखो ये आ गया हुआ है, इस टाइम टेम्परेचर डे नाइट का टेम्परेचर जब भी डिफरेंस आएगा तभी ये बीमारी आती है। और इसमें देखो ये 2-3 प्लांट के अंदर ये सफ़ेद मक्खी उड़ रही है, देखो ये जो दिख रहे हैं आप, तो इस टाइम जो इसको ट्रीटमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है। अब टेम्परेचर डिफरेंस इस टाइम बचा लेंगे तो बचा लेंगे, नहीं तो सबका ख़राब हो जाएगा। तो इसको बड़े गौर से देखें, जो नई टिप आ रही है उसके अंदर होगा, अंदर थोड़े से शुरू होता है, अगर मैंने नहीं डाला, ये देखो ये आप देखो देख पा रहे हैं कितनी बुरी तरह से लग गया, अगर अभी मैंने आज दवाई नहीं डाली इसकी तो कल ये मल्टीप्लाई होकर दुगना हो जाएगा, परसों 4 गुना हो जाएगा। अच्छा मैं कोशिश करता हूँ एक बार फिर से, ये देखिए ये छोटे छोटे हैं बिल्कुल, हम आपको ना अभी इसकी फ़ोटो खींच के क्लियर फ़ोटो डाल देते हैं और वीडियो तो खैर आएगी आएगी।
ये इन दिनों इसमें जो जो भी प्लांट है ना उसके अंदर नाजुक में जो गुलाब की कली निकलेगी, मतलब जो नया पत्ता निकल रहा है उसके अंदर भी हो जाएगा। जो नाजुक पत्ते हैं उनको ही खाता है ये, देखो जो सबसे पहला पत्ता अंदर ऊपर से निकलता है उसी में। मॉर्निंग ग्लोरी में नहीं आएगा ये, मॉर्निंग ग्लोरी के अंदर जो है ना वो लगेगा आपका मिलीबग। तो इसका ध्यान रखना है इस टाइम टेम्परेचर चेंजिंग के टाइम, अदरवाइज जो है बहुत तंग करेगा। देखो ये ऑलमोस्ट में आ गया है, मैंने ध्यान नहीं दिया दो दिन, तो बढ़िया हो गया कि आप लोगों को देखने के लिए मिल गया। अभी मैं इसका स्प्रे कर दूंगा, इसका स्प्रे मैंने एमिडा बताया, एमिडा से बेस्ट स्प्रे इसका कोई भी नहीं है। आप ये देखेंगे इसको डालने के 15 मिनट बाद ये सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। बहुत हल्का है, प्लांट को नुकसान नहीं होगा और बीमारी से छुट्टी मिल जाएगी। तो आपने देख लिया हमें जो ज़्यादा लंबा है, जैसे ये लंबा है तो इसको हमने कट करना है पूरी तरह से। आज का फोकस जो है इसी के ऊपर है, केयर टेकिंग। हमने प्लांट तो लगा लिया लेकिन वो फिर मर जाता है, सर्वाइव नहीं कर पाता। अब ये देखो ऑलरेडी हमने इसको पहले कटिंग कर दी, तो इसके नंबर ऑफ ब्रांचेस देख लें आप। ये तो सिंगल अभी कट किया है और इसका देखो एक ही पौधे में से 1, 2, 3, 4, 5, 6 ब्रांचेज इसकी हो चुकी हैं जो पहले हमने कट कर दी थी। तो कट करने का मेन मकसद यही है कि नंबर ऑफ ब्रांचिंग ज़्यादा होगी तो फ्लावरिंग ज़्यादा होगी। और ये ध्यान रखना है कि ऐसे ही फ्लावरिंग नहीं होगी, हर हफ्ते इसको न्यूट्रिशन चाहिए और गुड़ाई चाहिए ताकि ये फिर उसी हिसाब से ग्रोथ कर सके। नंबर ऑफ ब्रांचेज ज़्यादा होंगी मतलब नंबर ऑफ मेंबर ज़्यादा होंगे तो नंबर ऑफ मतलब क्वांटिटी ऑफ फूड भी ज़्यादा चाहिए, तो उसी हिसाब से फूड भी हमने आप देना है इनको। अब ये कुछ वैरायटी हैं इसमें छोटे गमलों में लगी हैं, इनको भी अब ये देखिए जो ये वैरायटी है एक सिंगल पौधा है, इसको हमने एक कटिंग की थी, एक पिंचिंग यहाँ की थी इस लेवल पे, इसमें से ये दो प्लांट निकल गया। अब हम दो प्लांट में से इसको चार करने के लिए ये देखो हमने ये काटा और ये टिप काट दिया इसका। अच्छा जूम आउट करना होगा, कुछ दिख नहीं पा रहा है, अब दिख पा रहा है? अब ठीक है, ठीक है जी। इस तरह से हमने कर दिया, अब दो, एक से दो लिया, दो से हम चार ले लेंगे। इसी तरह ये है बढ़िया, बड़ी वैरायटी है, इतना बड़ा हो गया प्लांट, इसको हम ये हमने यहाँ से कट किया। अब आप अगले हफ्ते देखेंगे कि कितना इसमें आ जाता है। इस तरह ये मीडियम वैरायटी है येलो कलर की हमारी, इसको हम हनी कॉम बोलते हैं। अब इसमें से आप देखोगे ये एक कट करने के बाद देख पा रहे हैं, इसीलिए मैं बीच में पूछ लेता हूँ कैसा ना मैं बोलता रहूँ आप तो पहुँचे ही ना ये। तो एक हमने एक कट किया उसमें से, आप ये देखो नीचे से इसमें से 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ गया। अभी कट करने के लायक नहीं है ये, नेक्स्ट वीक इसको फिर कट करेंगे। और दूसरा पौधा तो अभी बहुत छोटा है। इसी तरह से इसमें देखो आप, ये कट दिया हमने, इसका पहले कट कर चुके हैं तो इसमें से 4 ब्रांचेज चल पड़ी हैं और इसको आज हमने कट किया। अभी ये ज़्यादा भाग रहा है, इसकी गर्दन हमने उड़ा देनी है। ये भी सिंगल जाएगा तो दो फूल आएगा ऊपर जा करके, और इसी में से आप देखो कि हम कट करके कितने नंबर ऑफ फ्लावर्स लेते हैं। ये पिंचिंग टाइम है इसका, और इसमें मैं बता दूं आपको कि जो छोटे फ्लावर हैं देखो इसमें भी देखो यही सुंडी ये आई हुई है, ये कैटरपिलर जिसको बोलते हैं आप, अब इनमें दवाइयों की जरूरत है, जैसे टेम्परेचर डिफरेंस हुआ ना वैसे का वैसे ही। बिल्कुल बिल्कुल लगती हैं, इस टाइम सभी में लग रही हैं। हाँ पानी से वॉश कर देते हो, गिर जाता है ना वहां पे, वो फिर से दोबारा से खड़ा होकर उसमें पहुंच जाएगा। वहां गिरेगा तो पहुंचेगा। हाँ मैं एक बात और बता रहा था आपको
कि इसमें जैसे मैंने बड़े पत्ते वाले दिखाए उसकी दो पिंचिंग बहुत है आई थिंक सो, और जो छोटी वैरायटीज हैं जो मैं अब जैसे ये दिखा रहा हूँ इसमें आप 5 से 6 पिंचिंग कर सकते हैं, अभी से लेकर के आप अक्टूबर एंड तक पिंचिंग कर सकते हैं। अक्टूबर में एंड में जाके लास्ट वीक में जाके इसकी पिंचिंग छोड़ देना है, आपने रोक देना है, क्योंकि उसके बाद बड बनने का टाइम आ जाता है। तो हर 15 दिन में एक पिंचिंग आप कर सकते हैं, लेकिन तब कर सकते हैं जब आप इसको हर हफ्ते न्यूट्रिशन दे रहे हैं और गुड़ाई दे रहे हैं, तो उसी हिसाब से ये ग्रोथ कर देगा। जैसे जैसे पिंचिंग करते जाएंगे, आपके सामने मैं कर रहा हूँ ये, अगले हफ्ते फिर मैं इसको देखूंगा कि अगले हफ्ते करने लायक है या उससे नेक्स्ट वीक करने लायक है। तो इसको हमें 5 से 6 पिंचिंग 7 पिंचिंग, कई लोग 8-8 पिंचिंग कर देते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन दे करके, न्यूट्रिशन जिस हिसाब से देते जाएंगे उस हिसाब से आप पिंचिंग करने लायक बन जाएंगे। ये नोट कर लें कि जो बड़ी वैरायटी है उसमें 2 ही पिंचिंग बहुत है, जैसे बड़ी वैरायटी है, और जो छोटी वैरायटियां आ जाती हैं छोटी वैरायटीज के अंदर आप 7 से 8 पिंचिंग 6 पिंचिंग जो भी आपको सुटेबल लगे वो कर सकते हो, जितना आपने फूल लेना है उस हिसाब से पिंचिंग कर सकते हैं। मैं कुछ उस साइड और दिखाता हूँ आपको, कुछ ज़्यादा आगे थी पौधे थे। अब इनकी ग्रोथ देखें आप, ये काफ़ी ग्रोथ हो गई है। ये एक छोटी वैरायटी है, छोटी वैरायटी में देखिएगा अब एक पिंचिंग के बाद ये आप देख रहे हो कि इतना हो गया है, इसको थोड़ी पिंचिंग लेट कर दी हमने, एक पिंचिंग के बाद दूसरी नहीं की। अब दूसरी में आप ये देखो कि एक टिप, ये दूसरा टिप, ये तीसरा टिप, ये चौथा हमने काट दिया। अब ये क्या आगे बुश टाइप में बन जाएगा आगे, देख रहे हैं आप। हेलो, इस तरह से हमने सारी टिप्स काट दी। तो अब देखो हमने 4-5 काटी है, तो 5 काटी है तो 10 आ जाएंगी, नॉर्मल सी बात है, 10 की बजाय 12 भी आ सकती हैं। जाओ बेटे आप जाओ, मैं आप लोगों में से कितने ने ये गुलदाउदी लगाया हुआ है डेलिया? तो आपने ये पिंचिंग की है अभी कि नहीं की है? कर दिए तो फुट, तो सीड वाला जो डेलिया है वो बहुत छोटा आएगा आपका, सिंगल पेटल का होगा। नहीं, जो बीज वाला डेलिया होगा वो बहुत सिंगल पेटल का छोटा डेलिया होगा। ये जिस तरह से हमारा आप देख पा रहे हैं ये डेलिया नहीं होगा, ये ग्राफ्टेड से ही होता है, ग्राफ्टेड से मेथड से ही होता है ये। डेलिया तो अभी वैसे आया नहीं है नर्सरीज के अंदर, आया ही नहीं डेलिया अभी। हम क्या करते हैं एडवांस, मतलब अपना मदर प्लांट है, अपना प्रोसेस है, तो इसलिए हमने क्या किया एडवांस तैयार कर दिया हुआ है। आप रहते कहाँ हैं? सेक्टर 7 में रहते हैं, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है करनाल में आने में। अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा एडवांस लगा देंगे तो फिर बढ़िया है ना आपका। एडवांस लगाने का मतलब है जल्दी फूल आ जाएगा,
और जैसे पिंचिंग का टाइम है, इनको पिंचिंग का टाइम ज़्यादा मिल गया, जैसे मैं थर्ड पिंचिंग इनकी सेकंड पिंचिंग कर रहा हूँ, उनकी मैंने फर्स्ट पिंचिंग की है, तो ये नंबर ऑफ ब्रांचेस ज़्यादा होंगी जितनी, उस हिसाब से फ्लावर आएगा। लेकिन मैंने फिर बार बार मैं यही बात कह रहा हूँ कि नंबर ऑफ ब्रांचिंग की बात नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आवाज कर रहा है ना बहुत, देखो रुकता नहीं। क्या आवाज, ये क्या कर दिया बंद यार, ये साउंड कर रहा है ना, बिल्कुल वाइब्रेट कर रहा है। अब एक बार किया ना, उसके बाद कहाँ किया, छू के देखो आप, अभी कर रहा है। एक मिनट खराब हो गया, ये ऐसे ही होता जब भी कभी आता। हेलो, एक मिनट, हाँ जी आप बोलिए। अरे ये क्या दिक्कत हो रही है, वाइब्रेट हुआ, कनेक्ट तो हो गया, डिस्कनेक्ट कर दिया मैंने। हेलो, और देखो आ रहे, हाँ जी यही रोहित अंकल ना, कहाँ से उठाना है, यहाँ से उठा लो, अच्छा वहाँ से उठा लो, बटन दबा, तो नहीं रहा है वहाँ से उठाई, तो पता नहीं क्या दिक्कत है आपको, ऐसे उठाओ। हेलो, अच्छा खोदने लग गए क्या, रहेंगे और इसकी कटिंग हम करते रहेंगे। अगर हम चाहें कि भाई इसको ऐसे ही नॉर्मल वे में लगा दिया और नॉर्मली हम कटिंग करते रहेंगे तो वो ग्रोथ नहीं पकड़ेगा। न्यूट्रिशन चाहिए इसको हर वीक, मतलब हर आठवें दिन आपने, जैसे कि मैंने बताया आपको, अगर आपके पास लिक्विड फर्टिलाइज़र है, होममेड फर्टिलाइज़र है तो वो बेस्ट है, अदरवाइज़ DAP और जो NPK है उसका घोल आपने डालना है, हर हफ्ते डालना है आपने इसमें, तभी जाके ये ग्रोथ करेगा। नहीं ड्राई फॉर्म में भी डालेंगे, देखो लिक्विड फर्टिलाइजर भी डालने की बात कह रहा हूँ मैं, अगर बारिश हो भी रही है ना, और गमले में आपने ज़्यादा जगह नहीं छोड़नी है, जहाँ ज़्यादा बारिश है बता रहा हूँ, तो गमले में आपने मिट्टी जो है उसमें ज़्यादा जगह नहीं छोड़नी है, उसमें 1 इंची है, जो गमला 8 इंची है इसमें 1 इंची जगह ही छोड़नी है आपने। 1 इंची जगह छोड़ने से क्या होगा, जो बारिश का पानी है वो स्टेग्नेशन जो है वो 1 इंची होगी, तो न्यूट्रिशन आपका बाहर नहीं जाएगा। लेकिन आपने गमले में अगर 2 से 3 इंची जगह छोड़ी हुई है तो वो पानी जितना ज़्यादा स्टेग्नेट होगा वो उतना सीप करके नीचे से निकलेगा, ये ध्यान रखने वाली बात है आपको। बरसात के दिनों में जो गमलों में जगह है वो बहुत कम होनी चाहिए जहाँ ज़्यादा बारिश हो रही है, तो न्यूट्रिशन आपका नहीं निकलेगा, अदरवाइज सारा न्यूट्रिशन निकल जाएगा आपका। हेलो, क्या क्लिक, हाँ डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, गीली मिट्टी में भी डाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि सूखी मिट्टी है, गीली मिट्टी में भी डाल सकते हैं, इसीलिए मैंने घोल के डालने की बात कही ना आपको। लेकिन 2 लीटर, 1 लीटर पानी में 2 चम्मच घोलना है बस आपने। आवाज आपकी कम आ रही है, हेलो मैसेज आ रहा है, ऊपर कर दिया करो, मैं साउंड कर देता हूँ, उससे कुछ नहीं होता। हेलो, हाँ जी, हाँ जी बताएं, हेलो
डीएपी और एनपीके इकट्ठे नहीं डालना है। एक बार डीएपी डाल दिया आपने तो दूसरी बार एनपीके डालना है, इकट्ठे मिला के नहीं डालना है। आवाज इनकी आ नहीं रही थी ना। एनपीके एक चम्मच जो आपने घोलना है वो एक लीटर या दो लीटर पानी में घोल दो, ज़्यादा मतलब कंसंट्रेटेड फॉर्म में नहीं डालना है। एक चम्मच आपने लिया उसको 2 लीटर पानी में घोल करके और तब डालना है। अब कितना डालना है वो आपके पौधे के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने लिक्विड फर्टिलाइजर केस में बताया है कि बहुत छोटा पौधा जो है 6 इंची का है तो उसमें 50 ml बहुत है, थोड़ा और लंबा है तो उसको 100 ml डाल सकते हैं। तो डाइल्यूटेड फॉर्म में है तो 100 ml डाल सकते हो 8 इंची गमले में। अब ये भी देखो उसी टाइम का पौधा लगा हुआ है, सेम 20-22 दिन का पौधा है। इसकी ग्रोथ देखो, ये अपने आप में एक अलग है, ये अलग फ्लावर है, इसकी ग्रोथ कुछ ज़्यादा ही होती है। तो इसकी ग्रोथ में क्या करना है हमें, इसकी ग्रोथ में आपको कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मीडियम साइज़ का फूल होता है, मतलब बहुत बड़ा नहीं होता, बहुत छोटा नहीं होता है। तो इसमें जो नंबर ऑफ ब्रांचेस पत्ते हैं इस तरह से आपको नीचे से निकालना है, खाली करना है। ये देखिए इस तरह से नीचे की जो ब्रांचेज है हमने ये निकाल दिए। नंबर ऑफ लीव्स बहुत ज़्यादा हो गई थी, इस तरह से सफाई कर देनी है ताकि गमले तक जो है आपका सनलाइट जा सके। देख पा रहे हैं ये अपने आप ही, मतलब इसकी हमें पिंचिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें पिंचिंग अपने आप ही बगैर पिंचिंग के ही फुटाव बहुत ज़्यादा आता है। एक ऐसी वैरायटी है ये। बस इसमें क्या करना है हमने कि पत्ते, हाँ जी ये देखो 2 ही लगाया हुआ, 8 इंची में हमने 2 लगाया हुआ है। न्यूट्रिशन मिलता रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 सब सरवाइव कर जाता है। तो आपको पिंचिंग करनी है, पिंचिंग करने के साथ साथ ये देखना है कि उसकी फीडिंग भी ध्यान रखना है। अगर फीडिंग देंगे तभी वो पिंचिंग कामयाब है आपकी, जल्दी जल्दी पिंचिंग करने के लिए तैयार होगा। अदरवाइज फीडिंग नहीं है प्रॉपर तो पिंचिंग के लिए तैयार ही नहीं होगा वो, हर 15 दिन में या हर 10 दिन में या हर 8 दिन में। तो इसमें अब देखो 20-22 दिन के अंदर पौधे की ग्रोथ है। छोटे छोटे से आपके सामने लगे थे जो लोग अटेंड कर रहे थे पहले, पता है। और ध्यान ये रखना है पिंचिंग के साथ साथ जो हमने न्यूट्रिशन देना है उसके साथ साथ इसकी गुड़ाई जरूर करनी है हफ्ते में एक बार। उससे क्या होगा कि ऑक्सीजन मिलता रहेगा, रूट डेवलप करेगा, रूट डेवलप करेगा तभी नंबर ऑफ रूट ज़्यादा होंगे, न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलेगा, प्लांट को ज़्यादा ले पाएगा और फिर ग्रोथ ज़्यादा होगी। अब मैंने देखो आपके सामने ये तोड़ दिया है, नेक्स्ट वीक आप देखोगे ये पूरा फिर भरा हुआ मिलेगा आपको। आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, जो कोई क्वेश्चन है आप पूछ लें। आप हेलो, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ फुल डे सनलाइट है, फुल सनलाइट। कटिंग्स लगाएंगे उसको 1-2 घंटे की धूप मिलनी चाहिए, तो वो मैंने कुछ पहले भी दिखाया शेड, ऐसे शेड में रखा हुआ है कि अभी सुबह की 2 घंटे की धूप पड़ेगी उसकी, इसके बाद उसको छाया मिल जाएगी। कटिंग्स लगाएंगे तो उसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है एकदम, लेकिन ये है कि बिल्कुल कई बार अंदर कर देते हैं कमरे में, कोई बीज बोते हैं वो ऐसा नहीं करना है, मतलब 2-3 घंटे की धूप जरूर चाहिए उसको। एनर्जी तो फिर वहीं से मिलेगी ना उसको। जो कटिंग्स लगानी है वो सैंड के अंदर लगानी चाहिए आपको, और सैंड जो है फ्रेश सैंड होना चाहिए, यानी कि एक बार ही, एक साल यूज़ कर लिया या 2-4 बार यूज़ कर लिया उसको फिर यूज़ कर लिया तो उसमें क्या होता है कि फंगल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि कुछ प्लांट मरते हैं, कुछ रूट्स मरते हैं तो उससे फंगल इन्फेक्शन की शिकायत हो जाती है। तो आपको यूज़ करना है वो सैंड यूज़ करना है इन प्लांट्स की कटिंग लगाने के लिए। I don't know.
एक एक करके बताता हूँ। एक पॉट में पहले प्लांट्स लगाने की बात करें, न्यूट्रिशन दे, तो देखो 8 इंची का प्लांट है, इसमें हम 2 8 इंची का पॉट है, 2 प्लांट हम लगा सकते हैं। 10 इंची में आप 3 लगा सकते हो और 12 इंची का तो 4 प्लांट भी आप लगा सकते हैं। लेकिन डेलिया के केस में चाहे वो 8 इंची गमला हो 10 इंची गमला हो, प्लांट एक ही लगेगा आपका उसमें। 2 प्लांट डेलिया का सीड डालेंगे, सीड मिल रहा है, लेकिन वो सीड में क्या आएगा, फ्लावर बहुत छोटा आएगा। आप एक बार एक्सपीरियंस कर लो, वो फोटो तो बहुत बड़ी बड़ी बना के दे रहे हैं लेकिन बड़ा फ्लावर नहीं आएगा सीड से कभी भी। हाँ, तो सीड डालने के लिए मीडिया यूज करना है आपको। 2 पार्ट जो है कोकोपीट लेना है, 1 पार्ट स्टोन डस्ट ले लो, मार्बल पाउडर ले लो। हेलो, 2 पार्ट कोकोपीट, 1 पार्ट गार्डन सॉइल और 1 पार्ट आपने वर्मी कंपोस्ट लेना या लीफ कंपोस्ट, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। दो पार्ट आपको कोकोपीट लेना है, एक पार्ट गार्डन सॉइल ले लो आप और 1 पार्ट लीफ कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, और 1 पार्ट में आपका स्टोन डस्ट मिल जाता है, मार्बल पाउडर मिल जाता है। जब दोनों ही ना मिले तो आपने क्या करना है कि सैंड यूज कर लो आप। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, आप तुलसी में काले कीड़े लग जाते हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो तुलसी के ऊपर केमिकल स्प्रे नहीं करें। हेलो, म्यूट कर लो, जिनको क्वेश्चन नहीं पूछना है वो म्यूट कर लें, जो पूछ रहे हैं वही ऑन रखें। हेलो, आप यहां से म्यूट करो। मिस्टर महिंदर, हेलो, अब शायद हो गया है, बताएं। तुलसी का मैं बता रहा था, तुलसी में आजकल काले कीड़े लगे हुए हैं। हेलो, हाँ, तो तुलसी में क्या है कि केमिकल स्प्रे आप मत करो तुलसी में। करने के लिए सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, आजकल जो है आपके घर में हैंड सैनिटाइजर सभी के घरों में आ रहा है, कोरोना ने सबके घर में डाल दिया है ये। तो जो अल्कोहल बेस हैंड सैनिटाइजर है जिसमें 70-90% अल्कोहल है, वो आप यूज़ कर सकते हो इसको कीड़े को मारने के लिए। और वो डायरेक्टली यूज़ नहीं करना है आपको, 60% अल्कोहल लेना है और 40% उसमें पानी मिला करके उसका स्प्रे कर दो आप चौथे दिन, तो वो आपका कीड़ा खत्म हो जाएगा। और दूसरा है नीम ऑयल के अंदर शैम्पू पाउच मिला के 1 लीटर पानी में और उसका स्प्रे कर दें। 2 चम्मच नीम ऑयल डालें और 1 जो है शैम्पू का पाउच अच्छे से मिला लो, उसको घोल लो। शैम्पू इसलिए डाला जाता है कि नीम ऑयल पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं हो पाता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोले।